तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है. तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफ गार्ड हमारे जो भी डेटा है. तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये जो अटैक हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है. हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन, तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए. और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई, अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं. सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है. तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए. अक्सर गलत पाए जाते हैं और निराधार पाए जाते हैं. और तीसरी बड़ी बात है, यह भी स्पष्ट किया है एप्पल कंपनी ने, ये जो अलर्ट होते हैं ये अक्सर फॉल्स अलार्म्स होते हैं. आज ये पूछा जाना चाहिए ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करते हैं, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं देते हैं, एप्पल कंपनी को कोई पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन विशुद्ध राजनीति करते हैं.